गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में मेंडले का एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि मेंडले ने पी प्लांट्स पे अपना जो जेनेटिक्स का प्रोसीजर था, जो जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट थे, उसको कैसे किया था। उसमें हमने डिस्कस किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे, हम वो टर्म्स डिस्कस करेंगे जो जेनेटिक्स से रिलेटेड है। ये टर्म्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी, पर इस लेक्चर में हम इन टर्म्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द टर्म हेरिडिटरी। तो हेरिडिटरी क्या होता है बेटा? इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इट मीन्स कि आप सबको पता होगा, जैसे हम भी हैं, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग्स, हमारे जो फीचर्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं। जैसे हमारी आईज हमारे फादर से मिलती होती है या हमारे मदर से मिलती होती है, मतलब कुछ हमारे फीचर्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द फीचर्स हमारे अपने पेरेंट्स से मिलते। इट मीन्स जो जेनेटिकली ट्रांसमिशन है वो पेरेंट्स से बच्चों में होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो कैट्स है वो कैट्स ही प्रोड्यूस करती हैं, नॉट डॉग्स। इवन वी ह्यूमन बीइंग्स ओनली गिव बर्थ टू humans, ठीक है। That is basically hereditary and it pass out from generation to generation, okay? नेक्स्ट जो टर्म है वो टर्म है बेटा क्रोमोजोम। क्रोमोजोम हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था और इस चैप्टर में भी डिस्कस करें। जो हमारा क्रोमोजोम होता है वो क्या होता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लिक एसिड का, जिसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं और ये क्या करता है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ए जीन। बेसिकली जो क्रोमोजोम होते हैं वो क्या होते हैं? कैरियर्स ऑफ ए जीन, ठीक है। तो ये देखो, इस डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारा न्यूक्लियस है, जो है डेंस मटेरियल, उसके आसपास जो हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो ये है क्रोमोसोम का एक डायग्राम। इसमें आप देख सकते हैं देर आर टू क्रोमेटिड सिस्टर, ठीक है। बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। वन जो अगर मैं एक सिंगल की बात करूं तो उसे हम क्रोमोसोम आर्म बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैं एक क्रोमेटिड सिस्टर की बात करूं तो उसे हम क्रोमेटिड सिस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रोमियर बेसिकली दो क्रोमेटिड सिस्टर्स को होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो बेटा, जो हमारी बॉडी होती है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। ये जो 46 क्रोमोसोम होते हैं ये 23 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो पेयर्स होते हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं शेप एंड साइज में। अगर ये सिमिलर है तो इन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे, अगर ये सिमिलर नहीं है तो हम इन्हें हेट्रो लोगस क्रोमोसोम बोलेंगे, ओके। पर जो क्या होता है कि जो 46 क्रोमोसोम जो 23 पेयर्स में हमारी बॉडी में होते हैं, जो 23rd पेयर होता है वो बाकी 22 पेयर से क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसे हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसको हम जो डिज़ाइन करते हैं वो हम डिज़ाइन करते हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। तो जो एक्स एक्स पेयर होता है विद सिमिलर पार्टनर्स, इट मीन्स जिनका सिमिलर शेप एंड साइज होता है, वो प्रेजेंट होता है फीमेल्स में। और जो एक्स वाई पेयर होता है, जो डिसिमिलर पार्टनर्स होते हैं, वो किस में प्रेजेंट होता है? मेल्स में, ठीक है। एंड जो वाई क्रोमोसोम का अमाउंट होता है मेल्स में, वो मच स्मॉलर देन होता है एक्स क्रोमोसोम में, ओके। तो बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन, दैट इज सन और डॉटर, ठीक है। जो सन और डॉटर है वो किस बिहाफ पे हम डिस्कस करते हैं? वो हम डिस्कस करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ क्रोमोसोम। वी ऑल नो हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स हैं हमारे पास, जिसमें से 22 क्या आइडेंटिकल है और 23rd वन क्या है हमारे पास? सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। बट जो फीमेल एग होता है उसमें क्या है? सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अगर एक्स क्रोमोसोम जो फीमेल एग में है, अगर वो कंबाइन होता है मेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ, तो जो चाइल्ड प्रोड्यूस होता है दैट इज द फीमेल, ओके। बट इफ द एग इज फ्यूज्ड बाय वाई बेयरिंग स्पर्म, देन द रिजल्टिंग कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एक्स वाई एंड द चाइल्ड प्रोड्यूस इज ए मेल, ओके। इट मीन्स जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो हम किसके बिहाफ पे करते हैं? क्रोमोसोम के बिहाफ पे। बिकॉज जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स और वाई होता है, और जो फीमेल्स होती हैं उनमें क्रोमोसोम कौन सा होता है? ओनली एक्स होता है, ओके।
नेक्स्ट है हमारे पास जीन्स एंड देयर एलील्स. ठीक है, तो जीन्स हमें पता है, जीन्स क्या, जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, कैरियर्स ऑफ जीन. ठीक है, हर एक जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं जो डिफरेंट इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, जो डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप दो सिबलिंग को कंसिडर कीजिए, हम उनमें डिस्कस करते हैं करेक्टर ऑफ टंग रोलिंग. ठीक है, तो क्या होगा, वन ऑफ द सिबलिंग टंग को रोल कर सकता है और दूसरा नहीं कर सकता. ठीक है, इट मीन्स दे आर द डिफरेंट एलील्स ऑफ ए सेम जीन. ठीक है, जिसमें से वन एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है और दूसरा परफॉर्म नहीं कर पाता. ओके, तो दे आर द टू डिफरेंट एलील ऑफ वन जीन. अगर वो दोनों एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाते हैं, इट मीन्स दे आर सेम एलील ऑफ वन जीन. तो इस केस में अगर वो सेम हो गए तो हम उन्हें बोलेंगे होमोजाइगोस, एंड अगर वो डिफरेंट हो गए तो हम उन्हें बोलेंगे हेटरोजाइगोस. ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स. तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स क्या होती है, ये काइंड्स होती हैं एलील्स की. ठीक है, जिसमें से क्या होता है कि वन इज डोमिनेंट एंड अदर वन इज रिसेसिव और सबमिसिव. ठीक है, तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे, हम बात करेंगे डोमिनेंट एलील की. तो डोमिनेंट वर्ड जो खुद को अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता हो रिगार्डलेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर एलील. ठीक है, वो काइंड ऑफ एलील जो खुद को एक्सप्रेस कर पाती हो विदाउट किसी हेल्प के, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अनदर एलील ऑफ ए गिवन जीन इज कॉल्ड डोमिनेंट एलील. बट जो रिसेसिव एलील होता है, क्या उस केस में क्या होता है कि उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या हो जाता है, सप्रेस्ड हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ए डोमिनेंट एलील. ओके, सो दिस इज द टाइप्स ऑफ एलील, वन इज डोमिनेंट एलील एंड सेकेंड वन इज रिसेसिव. नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेड एंड ब्लैक है दे आर द पेरेंट्स. ओके, तो बोथ जो दोनों पेरेंट्स हैं वो टंग रोल कर सकते हैं. सो बोथ आर द रोलर. ओके, तो दोनों पेरेंट्स के जो तीन बच्चे हैं फर्दर, उनमें से जो फर्स्ट वन है वो नॉन रोलर है, वो अपनी टंग को रोल नहीं कर पाता. बट जो सेकंड और थर्ड है वो दोनों क्या है, टंग रोलर, वो टंग को रोल कर सकते हैं. पर जो फर्स्ट वन नहीं कर पाता, उसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पेरेंट्स जो हैं वो हेटरोजाइगस हैं. क्योंकि अगर दोनों पेरेंट्स होमोजाइगस होते तो उनके तीनों बच्चे अपने टंग को रोल कर पाते, पर वो क्या है, हेटरोजाइगस हैं. हेटरोजाइगस होने के कारण उनमें से सिर्फ दो, उनके सिर्फ दो बच्चे अपने टंग को रोल कर पाते हैं और जो थर्ड वन है वो अपने टंग को रोल नहीं कर पाता. ओके, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे बेटा, वो हम डिस्कस करेंगे मेंडले लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. मेंडले ने तीन लॉ दिए थे. फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट. ओके, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि आउट ऑफ ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स प्रेजेंट टुगेदर ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ वाइल द अदर रिमेन सप्रेस. ठीक है, तो डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हमारे पास दो पेयर हैं सिमिलर करेक्टर के, ठीक है, तो उनमें से अपना करेक्टर को एक ही एक्सप्रेस कर पाएगा, दूसरा नहीं कर पाएगा. ये सेम हमने अभी डिस्कस किया था डोमिनेंट एलील में और रिसेसिव एलील में. जो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा वो डोमिनेंट एलील होगा, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा दैट इज रिसेसिव एलील. ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ओके, तो इसमें क्या है कि दो मेंबर्स हैं जो पेयर ऑफ फैक्टर्स के, जो सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स बट दे डू नॉट ब्लेंड. ठीक है, ये इकट्ठे नहीं हो पाते, ये डिफरेंट गैमेट्स में क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. डैट इज द बेसिकली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ओके, लास्ट लॉ है जो हमारे पास मेंडले का, वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलील्स होता है वन करेक्टर इनटू गैमेट्स इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलील्स ऑफ अदर करेक्टर. ठीक है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो जीन्स होती हैं वो डिफरेंट करेक्टर्स में डिवाइड हो जाती हैं, वो दो करेक्टर्स में डिवाइड होती हैं जिनको हम एलील्स बोलते हैं. ठीक है, तो अपने करेक्टर में डिवाइड होना बिना किसी पे डिपेंड हुए उस केस को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एलील्स का वो एक करेक्टर से इंडिपेंडेंट दूसरे करेक्टर पे नहीं होता, दूसरे करेक्टर से वो इंडिपेंडेंट होता है और दूसरे एलील्स में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ओके,
तो लास्ट जो हम इस चैप्टर की टर्म डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन क्या होता है बेटा? सडन चेंज इन वन और मोर जीन्स, जीन्स में चेंज आ जाना अचानक से, और जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में या उनके नंबर में चेंज आना, उसकी उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा जेनेटिक्स का चैप्टर जिसमें हमने डिस्कस किया जेनेटिक्स की टर्म के बारे में, मेंडली के एक्सपेरिमेंट के बारे में, मेंडली के लॉ के बारे में, और हमने डिस्कस किया जीन्स के बारे में, वेरिएशन के बारे में, एलील्स के बारे में, डोमिनेंट और डोमिनेंट एलील्स के बारे में, रिसेसिव एलील्स के बारे में, और हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, एग्जांपल डिस्कस की हमने। ठीक है, तो ये था हमारा जेनेटिक्स का ऑल, मतलब जिसमें हमने ये सारे टॉपिक कवर किए। ओके।